हुआ है और आने के टाइम में फंस जाए। आप नहीं चाहेंगी कि आपका भाई का दुकान जो खुला हुआ है उसमें चार पत्थर चल जाए और पूरे दिन भर की जो है वो रोजगार बंद हो जाए। आप नहीं चाहेंगे कि आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं इबादत करने के लिए और वहां जाके कुछ और हंगामा खड़ा हो जाता है। आम शहरी नहीं चाहेगा ऐसे। आम शहरी चाहेगा कि अगर किसी ने बेहुर्मती करी है, अगर किसी ने बेअदबी करी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पर यह नहीं चाहेगा कि इसकी आड़ में कोई दूसरे लोग बैठ के जो है और सिलसिला शुरू कर दे और प्रोग्राम बना के उसको आगे ले जाए। इसी की बात हो रही है। भारी मात्रा में अब कुछ चीजें जो है वो एक ऑपरेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है, पर कुछ चीजें आप मीडिया में हैं तो कुछ चीजें आपको मैं क्या छिपाऊं। सच्चाई तो यही है कि वहां पे डिपार्टमेंट जैसी बची हुई है इस चीज को इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको आगे करने के लिए। ऑफ कोर्स एवरी सिटीजन हैज ए राइट, नाउ लॉ विल डिसाइड एज टू व्हाट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम, इट कैनॉट बी डिसाइडेड आउटसाइड इट। सो देयरफॉर पनिशमेंट्स विल बी गिवेन विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। सो देयरफॉर एनी सच मिसएडवेंचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी ड्यूटी ऑफ दी लॉ एनफोर्समेंट। विल एनी एक्शन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट पोलिटिकल पार्टीज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, वॉट अबाउट दीज पीपल हु आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ टेरर, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉक फायर बाई गिविंग सर्टन स्टेटमेंट। वी सॉ द स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम महबूबा मुफ्ती साइड, शी सेड अर्लियर दे वर ट्राइंग टू टारगेट जर्नलिस्ट एंड दे स्टार्टेड टारगेटिंग नाउ इनोसेंट स्टूडेंट्स एंड समवेयर शी इज ट्राइंग टू स्टॉक फायर। विल एनी एक्शन बी इनिशिएटेड और एनी काइंड ऑफ वार्निंग बी गिवन टू दीज पोलिटिकल पार्टीज? इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट इज हैपनिंग। All I can say is that the wheels of the law would operate in the sense that if a particular action has been done deliberately with malicious intent to further certain falsehood, and that falsehood leads to loss of life, loss of property, further violence, further attacks on individual citizens, fear and terror and intimidation, law itself makes it very clear that they would be held responsible. I clearly remember in one of the cases of the NIA, the honorable judge accepted this as evidence. Baaye haath mein प्रोग्राम निकलता था बंद का और लॉ एंड ऑर्डर का, दाएं हाथ पे जिस दिन बंद कल की कैलेंडर निकलती थी और यहां पे वायलेंस होता था, लोग मरते थे, पेलेट गन चलता था, दुकानें जल जाती थी, गाड़ियां जल जाती थी। तो जज साहब को क्या कहा गया, सर हमारे पास ये एविडेंस है कि इस पर इस तरीके की भड़काने वाली या मिसगाइडिंग स्टेटमेंट्स दी जा रही है और इधर से उसके डायरेक्ट कनेक्शंस में वायलेंस हो रहा है। अब हर वक्त हर सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है प्रोटेस्ट करने का, वो होना भी चाहिए, सबके लिए है, डिसेंट है। तो पर जब स्टेटमेंट्स हम देते हैं, खासकर पब्लिक फिगर्स होने के नाते, हमको यह देखना है कि यह वाली स्टेटमेंट, पहला चीज हमको देखना है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है, इसमें हकीकत है कि नहीं है। आप जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके बड़े छोटे नुआंसेस होते हैं, तो क्या वो सच्चाई के ऊपर है? दूसरा, अगर सच्चाई पे भी है पर कोई स्टेटमेंट से अगर हम सिचुएशन को ज्यादा खराब करते हैं या उस सिचुएशन से वायलेंस बढ़ता है, वायलेंस के लिए गुंजाइश बनती है, वो भी जो है कानून ही कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रेंट, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि आग न बढ़े। मेरे घर में अगर आग लगी है तो मुझे फायर टेंडर बुला के उसको बुझाना है, ना बल्कि उसको बगल वाले घर पे लगाने के लिए छोड़ देना चाहिए या उसको हवा देनी चाहिए।